हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा जीव विज्ञान पर, जो हमारा स्वास्थ्य पोषण पर आधारित होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट जाएंगे, प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है, ये आपको बताने कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, अरक्तता। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर पुरुषों में विटामिन बी कमी से पुरुषों में हो जाता है, बेरीबेरी की बात है तो बच्चों में होता है तो ये तो आएगा नहीं। तो यहां पर बी की कमी से पुरुषों में जो होगा वो डी आएगा, अरक्तता वाला आएगा। बच्चों में खरिस्थान सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ या अंततः सिकुड़ जाता है और बसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। थाइमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड ग्रंथि, कोई नहीं, सही आंसर ए आएगा, थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन या एंट्रोकाइनेज, इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर ए आएगा, पेप्सिन। पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या पीलिया, इसमें से आपको बताना है, सही आंसर यकृत, लीवर के संक्रमण से यह पीलिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे घातक गैर संक्रामक रोग है? एड्स, कैंसर, मधुमेह या मोटापा, आपको बताना है। तो एड्स तो संक्रामक है, अब यहां पर मधुमेह, मोटापा, कैंसर पर आपको सोचना था, तो सही आंसर बी आएगा, कैंसर। कैंसर एक गैर संक्रामक और सबसे घातक जो है रोग है। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या एस्कॉर्बिक, सही आंसर ए आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जो आपके अमाशय में रहता है। क्वेश्चन आता है, मछलियों की यकृत तेल से किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए और डी, सही आंसर जो होगा, जो लीवर ऑयल होता मछली को उसमें विटामिन ए और डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केस, अस्थि या रुधिर, सही आंसर सी आएगा, इसमें हड्डियां प्रभावित हो जाती है। क्वेश्चन से, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का, प्रोटीन का या वसाओं का, सही आंसर सी आएगा, यह प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात रोग है? क्वाशियोर्कर, सिकल सेल एनीमिया, घेंगा, रुमेटी गठिया, तो सही आंसर बी आएगा, सिकल सेल एनीमिया, ये वंशानुगत या जन्म सही होता है, जन्मजात रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय रोग नहीं है? उच्च रक्तचाप, एथरोस्क्लेरोसिस, मोटापा, अल्जाइमर रोग, सही आंसर मोटापा आएगा। अपक्षय रोग कौन सा होता है? तो जो उम्र बढ़ने के साथ जो रोग आते हैं वो अपक्षय रोग कहलाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर हुआ या एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, अल्जाइमर रोग हाथ पैर ऐसे हिलने रखते हैं, लेकिन मोटापा ये अपक्षय रोग नहीं है, ये बचपन में भी हो सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है और अधीरावस्था में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये। क्वेश्चन आपके सामने आता है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? यह आपको बताना है, अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य, सही आंसर सी आएगा, पार्श्व में होती है। अगर जिह्वा की बात कर लिया जाए तो इस साइड जो होता है, दोनों साइड, ये वाला भाग ये खट्टे के लिए जिम्मेदार है, खट्टा होता है, सामने वाला भाग ये मीठा वाला होता है, ये वाला भाग जो आपको दिखा रहा हूं ये नमकीन वाला होता है और ये वाला भाग जो है ये कड़वा वाला भाग होता है। क्वेश्चन से, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ये आपको बताना है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या आइसोमाल्टोज, इसमें से कोई एक बताना है, सही आंसर ये आएगा, ग्लूकोज। इसीलिए कहा जाता है डायबिटीज पेशेंट को कि स्टार्च वाला भोजन ना खाए, जैसे आलू है,
या चावल है, क्योंकि अंत में ग्लूकोज ही बना लेते हैं। क्वेश्चंस आता है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? प्लीहा, तिल्ली, अग्नाशय, अमाशय या यकृत, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यकृत या लीवर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंड स्टीनर या रॉबर्ट ब्राउन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन ए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, विटामिन B12। क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सही आंसर ए आएगा, विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। यदि भी विटामिन सी का भी वही काम है, विटामिन डी का भी वही काम है, संक्रमण को रोकना। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? मांस एम अंडे, दूध एम सचिया, सोयाबीन एम मूंगफलियां, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो खाद्य प्रोटीन की अगर बात किया जाए तो सबसे आएगा सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन में सबसे ज्यादा यह आपका प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 42%, जो कि मांस से भी बहुत ज्यादा, मांस अंडे से भी बहुत ज्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एंटीबायोटिक्स इनके विरुद्ध प्रभावी है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोअन। सही आंसर बी आएगा, बैक्टीरिया। यद्यपि आपको वायरस जनित रोग होता है जैसे इन्फ्लुएंजा, तो भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है सामान्य सर्दी में। कवक में भी एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है, लेकिन बना जो है एंटीबायोटिक्स वास्तव में बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया के लिए ही विशेष करके इसका उत्पादन किया गया था। तो बैक्टीरिया यहां पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, मलेरिया का कारक एजेंट है? विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोअन। सही आंसर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोअन इसका आंसर होगा। मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV मुख्य रूप से हमला करता है और नष्ट करता है लाल रक्त कणिकाओं को, श्वेत रक्त कणिकाओं को, प्लेटलेट्स को, न्यूरॉन्स को। सही आंसर WBC को, यह नष्ट कर देता है, WBC को ही इसको खत्म कर देता है। तो ये लिम्फोसाइट WBC में होता है जिसको ये नष्ट करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षी रोग है? मधुमेह, क्षय रोग, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। सही आंसर ए आएगा, मधुमेह। स्व प्रतिरक्षी रोग ये होता है कि स्व प्रतिरक्षी जैसे WBC क्यों हमारे बनाए, तो शरीर का जो भी प्रॉब्लम आएगा जीवाणु के डर उसको मारने के लिए। जब यही कोशिका अपने शरीर पर ही घातक हो जाती है और मारना स्टार्ट कर देती है कोशिकाओं को, तो हम लोग कहते हैं स्व प्रतिरक्षी। मधुमेह के रोग में, डायबिटीज में यही होता है, पेंक्रियास में कुछ हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसके कारण इनमें कुछ वो होता है जिसमें इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, माने अपने ही शरीर को एक हद तक पहुंचाते हैं हमारे शरीर को जो प्रतिरक्षी है। तो मधुमेह में ऐसा ही रोग होता है, तो ये स्व प्रतिरक्षी रोग होगा। क्षय रोग, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा ये तो वायरस जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होता है, और ये मलेरिया आपने बताया प्लाज्मा प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। क्वेश्चन से, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं ग्रंथि होना चाहिए, अंग वन ग्रंथि, तो हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा, लीवर या यकृत होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो विटामिन सी आ जाएगा, जो किसी भी मांसाहारी भोजन में हमको प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है?
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा विटामिन सी। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय? सही आंसर भी आएगा प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? यह आपको बताना, थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा? सही आंसर पेनक्रियास, अग्नाशय, मिश्रित, जो कि हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, दोनों प्रकार का जो स्रावण करती है, इसलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है प्रोटीन का, मंड, स्टार्च का, वसा का या विटामिन का? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा ये मंड, स्टार्च का पाचन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता? यकृत, लार ग्रंथि, क्षुद्रांत ग्रंथि या अग्नाशय? सही आंसर ये आएगा लीवर। लीवर में पित्त रस जरूर निकलता है लेकिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है पित्त रस, तो यकृत यहाँ पर सही आंसर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।